एक बार फिर से आपका हिंदी ज्ञान सागर भाग 6 में स्वागत है। आप लोगों के सामने एक नया विषय है, वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। दो टॉपिक हैं आपके पास, दो मुख्य विषय हैं, वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। याद रखेंगे, वर्ण संयोग और दूसरा है वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले वर्ण संयोग होता क्या है, वर्ण संयोग है क्या और किस माध्यम से किया जाता है वर्ण संयोग, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले वर्ण मैंने बताया था कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और फिर यहाँ संयोग, संयोग का मतलब होता है जोड़ना, जैसे मैथ में योग करना, ऐड करना, उसी प्रकार से हिंदी में संयोग का मतलब होता है जोड़ना। फिर दूसरा टॉपिक है आपका वर्ण विच्छेद। वर्ण आप जानते हैं विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, जैसे मैथ में घटाते हैं आप, ठीक उसी प्रकार से इसमें विच्छेद करना, अलग कर देना, यानी वर्णों की व्यवस्था को अलग कर देना, तोड़ देना विच्छेद कहलाता है। परिभाषा क्या होती है वर्ण संयोग की, याद रखेंगे परिभाषा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सबसे पहला जानने की आवश्यकता यही है कि वर्ण संयोग होता क्या है। क्योंकि कर तो हम प्रक्रिया कर सकते हैं, परंतु जैसे आप सूत्र याद करते हैं सवाल लगाने के लिए, जैसे फार्मूले याद करते हैं, रूल्स याद करते हैं, उसी प्रकार से हमें सबसे पहले जानने की आवश्यकता है और याद करने की आवश्यकता है कि इसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब क्या होता है इसका। तो सबसे पहले हम वर्ण संयोग को पढ़ेंगे। वर्ण संयोग किसे कहते हैं, ध्वनियों को मिलाकर, याद रखेंगे वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं, वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है। तो ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाना वर्ण संयोग कहलाता है, यानी कई ऐसे वर्ण जब हम आपस में जोड़ते हैं जो ध्वनि हो, मूल ध्वनि हो, तो एक शब्द बनाते हैं। और उन्हीं शब्द को जो है, जब बनता है एक नया शब्द तो वो वर्ण संयोग कहलाता है, जब जोड़ कर बनाते हैं। और दूसरा जो विषय था आपका है वर्ण विच्छेद, याद रखेंगे वर्ण विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्लास UKG से लेकर और इंटर तक के बच्चों, यहां तक जितनी भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं, IAS PCS कुछ भी कर रहे हो, सबके लिए वर्ण विच्छेद बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है इसके क्वेश्चन जो हिंदी के होते हैं, ग्रामर के, वो लगभग आते हैं। तो वर्ण विच्छेद ध्यान देंगे कि शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है, शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। तो सबसे पहले हम वर्ण संयोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, वर्ण संयोग सीखेंगे। तो देखते हैं वर्ण संयोग कैसे किया जाता है, ध्यान देंगे वर्ण संयोग। वर्ण कोई भी वर्ण लिख दीजिए, का लिख दीजिए, मा लिख दीजिए, ला लिख दीजिए, कोई भी वर्ण लिख दीजिए। अब अगर इसका संयोग हमें कराना है किसी वर्ण से, तो याद रखेंगे दो प्रकार से संयोग होता है, स्वर प्लस व्यंजन का संयोग और व्यंजन और व्यंजन का संयोग। दो प्रकार से वर्ण संयोग किया जाता है, याद रखिएगा स्वर और व्यंजन का संयोग, व्यंजन और व्यंजन का संयोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर और व्यंजन का संयोग कैसे करते हैं, स्वर और व्यंजन का संयोग याद रखना। मान लिया कोई स्वर आ गया आपके समक्ष, आ आया, उसके बाद में का लिख दिया गया और कहा गया जोड़ो इसको, ठीक याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ जो है हलंत लगा हुआ रहेगा आपके समक्ष, तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे, का पर बड़ा का मात्रा चिन्ह लगा देंगे, यह आपका वर्ण संयोग हो गया। कोई भी आ जाए, जैसे आ गया मान लिया छोटी ई आ गई और पिल्ला आ गया, हलंत लग गया, याद रखिएगा बड़ा आ गया। अब कहा जाए इसको जोड़ो, तो कैसे जोड़ेंगे, दो दो वर्णों का जोड़ होता है, याद रखिएगा दोनों को हम कॉमन में ले लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या बढ़ेगा। तो का पर हमें किस चीज की मात्रा लगा देनी है, इसकी मात्रा लगानी है छोटी की मात्रा, और ला पर क्या लगा देना है हमें, बड़ा का मात्रा। यह आपका वर्ण संयोग हो गया, एक नया शब्द मिल गया,
एक नया शब्द मिल गया। ऐसे कोई भी वर्ड हो, कितने भी कठिन क्यों ना हो, जैसे आ जाए छोटा आ गया, इस पर तो हलंत लगेगा नहीं। माँ आ गया, उसमें छोटा निकाल दिया मैंने बाहर। फिर रावर्ण आया, उसमें से भी छोटा वर्ण निकाल ली। अब इनको जोड़कर क्या बनाना है, छोटा पहले लिखा हुआ है तो इसको हम सीधा सीधा लिख देंगे, ये दोनों जोड़कर माँ बन जाएंगे और ये दोनों जोड़कर रा बन जाएंगे। इन दोनों का संयोग, इससे इसका संयोग, और ये स्वतंत्र है, तो ये जोड़कर एक नया शब्द बना अमर। दूसरा विषय है आपके पास व्यंजन और व्यंजन का संयोग। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन और व्यंजन का संयोग, कोई भी व्यंजन दे दो, का प्लस मा प्लस ला, सिंपल सा है, जोड़ सकते हैं आप, क्या बनेगा, का प्लस मा प्लस ला, पढ़ सकते हैं ना, पढ़ लीजिएगा क्या बनेगा। ऐसे ही कोई भी वर्ड कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, का लिख दिया, रा लिख दिया, वा लिख दिया, टा लिख दिया, जोड़ पढ़ लीजिए, बस कुछ नहीं है इसमें, केवल ध्यान देना है कि कहां स्वर और व्यंजन का संयोग हो रहा है, कहां व्यंजन और व्यंजन का संयोग हो रहा है, बस केवल दो चीजें याद रखना है कि स्वर और व्यंजन का संयोग है या केवल और केवल व्यंजन और व्यंजन का संयोग। व्यंजन और व्यंजन का होगा आसानी से कर लेंगे, स्वर और व्यंजन का जब संयोग होता है तो उसमें कठिनाई होती है, और वो भी नहीं होगी क्योंकि अगला टॉपिक आपके पास है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जैसे ही दूसरा विषय वर्ण विच्छेद, उम्मीद है कि आप लोगों को वर्ण संयोग समझ में आया होगा। वर्ण विच्छेद देखेंगे, सिंपल सा तरीका है वर्ण विच्छेद करने का, छोटा सा वर्ण है का। अगर किसी अन्य पुरुष से या किसी अन्य व्यक्ति से अगर कहा जाए कि का वर्ण विच्छेद करो, तो एक बार उसके पैर से जमीन हट जाएगी, कि वो सोचेगा वर्ण विच्छेद होता क्या है, और आप लोग कर लेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़े आसानी से कर लेंगे। किसी भी व्यक्ति से, अगर आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, एकेडमी के द्वारा पेश किया गया एक वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं, तो आपको जो है किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि का वर्ण का विच्छेद क्या होगा। एक बार सोचेगा व्यक्ति कि का वर्ण का विच्छेद क्या होता है, होता ही क्या है, तो सबसे पहले आपको डिफिनेशन मैंने बताया था कि याद करने की बहुत जरूरी है, परिभाषा आप याद रखेंगे, और दूसरी चीज का वर्ण का जो विच्छेद करना होगा तो आसान सा तरीका है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि का पर अगर स्वर व्यंजन निकाल लिया जाए, उसमें से स्वर निकाला जाए, तो स्वर जब निकाला जाएगा तो उस पर हलंत लगा देंगे, हलंत लगाएंगे प्लस हो जाएगा, और जब का में क्या निकला स्वर, आ निकला ना, तो आपको हम यहाँ लिख देंगे, याद रखेंगे प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर जो है वो निहित है, उसमें मिला हुआ है। ऐसे ही कोई वर्ण दे दिया जाए, जैसे मान लिया दे दिया गया कल, कल एक पद हो गया, एक शब्द हो गया, शब्द और पद में भी अंतर आप लोगों को बताया जाएगा। कल, कल का वर्ण विच्छेद अगर करना हो तो सिंपल सा तरीका है, का पर हलंत लगाओ, प्लस लगाओ, आ निकाल लो बाहर, फिर दूसरा क्या है वर्ण ला, ला पर हलंत लगाओ और इसमें से आ बाहर निकाल लो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल है, कर लेंगे, ऐसे ही दे दिया कमल, कमल, इसका वर्ण विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो का पर हलन क्या निकला बाहर, छोटा निकला ना, प्लस लगाया, मा पर हलन क्या निकला बाहर, छोटा निकला, फिर ला पर हलन क्या निकला बाहर, छोटा निकला, ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। परंतु जब मात्रा आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, ये सोच रहे होंगे ना, तो ऐसे ही जैसे आ गया का, बड़ा का और ला, क्या हो गया काला, बहुत सिंपल तरीका है, का पर हलंत लगा दीजिए, वर्ण आधा हो गया। अब देखिए का वर्ण पर कौन सा स्वर है, छोटा है या बड़ा, बड़ा है तो बड़ा को हम बाहर कर लेंगे, और फिर यहाँ देखेंगे ला है, और ला पर भी शायद बड़ा है, और उसको भी बाहर कर लेंगे। आपके सामने एक शब्द और आ गए, कुछ किरण है, आत्मा है, तत्व है और मृग है, याद रखिएगा इन शब्दों का अगर वर्ण विच्छेद करना हो
सिंपल सा तरीका पहले ही बताया था। पहला वर्ण क्या है आपका? का है, याद रखिएगा। का को लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, और का पर लगा देंगे हलन, प्लस लगा देंगे। अब देखेंगे का वर्ण पर किस चीज की मात्रा लगी है, छोटी की लगी है, तो छोटी हम बाहर कर लेंगे, और फिर रा वर्ण को लिखने के बाद हलन प्लस लगाया और आवर्ण बाहर निकाला, फिर ना है ऐसे, ना पर भी जो है हलंत लगा के आवर्ण बाहर कर लेंगे। ये किरण का वर्ण विच्छेद हो गया, याद रखिएगा। दूसरा शब्द है आत्मा, ये थोड़ा टप है, थोड़ा जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ स्वर जो है पहले से लिखा है, इस पर कोई हलंत नहीं लगेगा, सेम टू सेम बड़ा हम लिख लेंगे, प्लस लगा लेंगे। अब देखेंगे यहाँ ता लगा है, लिखा हुआ, लेकिन ता आधा है, तो आधा ता लिखने के लिए मैंने बताया था हलंत लगा दीजिए और प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ माँ है, माँ पर हलंत लगाने के बाद देखेंगे कि माँ पर किस चीज की मात्रा लगी है, बड़ा की लगी है, तो बड़ा बाहर निकालेंगे। ये आत्मा का वर्ण विच्छेद सही हो गया। फिर है तत्व, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। अब देखेंगे यहाँ ता वर्ण है, ता पर हलंत लगाया, आ इसमें से बाहर निकालेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर आधा ता है, तो आधा ता है, तो ता लिखने के बाद हम हलंत लगा देंगे, और वा पे भी हलंत सेम टू सेम लगेगा, और फिर आवरण को बाहर निकालेंगे। ये आपका तत्व लिख गया। फिर है मृग, मृग देखेंगे, मा पर हलंत लगाएंगे और री की मात्रा लगी है, तो री को हम यहां लिख देंगे, और फिर गा है, गा पर जो है हलंत लगाएंगे और छोटा बाहर कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।